आप देख रहे हैं दोपहर की नंबर वन डिबेट। देश में लगातार बढ़ रही जनसंख्या भारत की मुश्किल बढ़ा रही है, संसाधनों पर दबाव भी बना रही है और चौंकाने वाले डेमोग्राफिक बदलाव भी ला रही है। इस डर को देखते हुए बीजेपी और बीएचपी ने सरकार से सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की सिफारिश की है, लेकिन विपक्ष इस पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। उसे लगता है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आया तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, हमारा देश बूढ़ा हो जाएगा। गजब तर्क है। लेकिन विपक्ष के नेता देश को यह नहीं बता रहे कि अगर बढ़ती आबादी पर कंट्रोल नहीं किया गया तो वो कैसे हमारे देश के लोगों और देश की तरक्की के रास्ते में बड़ा रोड़ा, बड़ा अभिशाप बन जाएगा। एक वक्त था जब चीन पॉपुलेशन के मामले में हमसे काफी आगे था, लेकिन अब हमने उसे भी पछाड़ दिया। पर इस खतरे को नजरअंदाज करते हुए सपा के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता एसटी हसन को लगता है कि भारत में लगातार बढ़ रही आबादी एक एसेट है, वो वरदान है और उसी की वजह से विकास का पहिया घूम रहा है। इस मुद्दे पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक रिपोर्ट। देश में लगातार बढ़ रही आबादी भविष्य में खतरे का अलर्ट दे रही है। भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। इस मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है और इस खतरे की घंटी को देखते हुए एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने की मांग जोर पकड़ रही है। लेकिन देश में लगातार बढ़ती जनसंख्या पर कंट्रोल करने की बात पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ने अजब गजब दलील दी। उनके मुताबिक लोगों की बढ़ती तादाद देश के लिए वरदान है, अभिशाप नहीं, और इससे अर्थव्यवस्था भी तेज गति से बढ़ेगी। सुनिए जरा। ये नहीं सोचना चाहिए कि जनसंख्या एक अभिशाप है। जनसंख्या हमारे देश का एसेट भी है। आज अगर हम इस जगह पे खड़े हैं कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होने जा रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जनसंख्या का है। अगर आप पाबंदियां लगाते हैं, एक बच्चे की पाबंदी किसी ने लगा दी या दो बच्चे की लगा दी, तो अगले 30 साल में हिंदुस्तान बूढ़ा हो जाएगा, जो चीन में हुआ। अब चीन वाले कह रहे हैं कि आबादी बढ़ाओ, बूढ़े ही बूढ़े लोग नजर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आबादी को हम बूढ़ा कर दें। अगर हम बूढ़े हो गए, हिंदुस्तान बूढ़ा हो गया, तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे आगे। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया और एसटी हसन को चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी के जरिए आईना दिखाया और उससे सीखने की जरूरत बताया। यही नहीं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश में आज पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए सख्त कानून लाने की जरूरत है और जो इसे नहीं मानेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। अगर 79 में चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं लाया होता तो आज लोगों का मानना है कि 60 करोड़ आबादी एडिशनल होता। तो चाइना आज दुनिया का एक थर्ड इकोनॉमी के रूप में नहीं उभरता। आज भारत के लिए ठीक है, हमारे लिए पॉपुलेशन, यूथ एक डिविडेंट है, लेकिन थ्रेट भी है। और थ्रेट क्योंकि पूरी दुनिया की आबादी का लगभग हमारे अनुसार 20% आबादी भारत में है। कानून, लेकिन एक ऐसा कानून, कड़ा कानून आना चाहिए, सबकी सहमति से आनी चाहिए। जो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या जैन, बौद्ध हो या अन्य समुदाय के लोग हों, सब पर एक तरह सामान लगे। जो ना माने, अब समय आ गया है कि उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर देनी चाहिए। जो ना माने उसे सरकारी सुविधा से वंचित कर देनी चाहिए। अब आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर देश में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए लॉ लाया गया तो क्या क्या बदलाव संभव है। पहले तो इससे तेजी से बढ़ रही आबादी पर लगाम लगेगा, देश का तेजी से विकास होना शुरू हो जाएगा, लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे नहीं हो पाएंगे, 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। यही नहीं, 2 से ज्यादा बच्चे होने से सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने के अधिकार पर भी रोक लगा दी जाएगी। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की बात पर वीएचपी के महासचिव सुरेंद्र जैन ने समर्थन किया और आने वाले खतरे की ओर आगाह किया।
सुरेंद्र जैन ने भी बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए सख्त नियम बनाने की वकालत की है। भारत जनसंख्या विस्फोट की स्थिति तक पहुंच गया है। जनसंख्या पर रोक लगनी ही चाहिए। आखिर ये तय करने का अधिकार कि मुझे कितने बच्चे पैदा करने हैं, परिवार के विस्तार के लिए कितना योगदान देना है, क्या ये महिलाओं को अधिकार नहीं होना चाहिए? इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण करना वो भी आवश्यक है, वहीं साथ साथ डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की चिंता करना। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है। वी आर द वर्स्ट सफरर ऑफ डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, तो इसलिए उसको ठीक करने के लिए कॉमन पॉपुलेशन पॉलिसी आनी ही चाहिए। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे किसी और धर्म का मानने वाला, सबके लिए एक जैसी पॉलिसी होना ये हमारे संविधान की भावना के अनुसार भी है और देश की जरूरत भी है। हालांकि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना इतना आसान नहीं। तमाम अल्पसंख्यक समुदाय और कई विरोधी दल इसके विरोध में खड़े हैं। खासतौर पर मुस्लिम नेताओं का कहना है कि ये कानून नहीं बनाया जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगर कोई कानून लाने से देश का भला हो रहा है तो मुस्लिम नेताओं को इस बात पर एतबार क्यों नहीं, क्यों लगातार एतराज जताया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो देखिए, रिपोर्ट आप देख चुके हैं, क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, अब इसके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि महाराज जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संजय राणा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सैयद जवाद भाई हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। हमारे साथ हाजी रंगरेज भाई हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रंगरेज भाई, ये क्या दिक्कत है? मतलब ये कहा जा रहा है कि जनसंख्या पर नियंत्रण से देश बूढ़ा हो जाएगा, आबादी पर रोक तो तरक्की पर रोक, तो आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या? नहीं, हम तो इन सब चीजों से कोई इत्तेफाक नहीं रखते। और ये जो एक नैरेटिव दिखाया जाता है, बताया जाता है कि किस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है और मुसलमान जो है इस देश की में जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, मगर एक बात समझिए, जब अमित शाह के घर में तो अमित शाह के परिवार में 7-8 लोग हैं, मोदी जी के घर में 7-8 लोग हैं, और जो मोहन भागवत जी है उनके परिवार में 7-8 लोग हैं, मगर बदनाम किने किया जाता है? अच्छा, विलन किने बनाया? अच्छा, रंगेश भाई, आपने बहुत अच्छी बात उठाई, लेकिन इसके डिटेल में जाना होगा। आज से 50, 60 या 80 या 100 साल पहले जब बच्चे पैदा होते थे, बच्चों की मृत्यु दर कितनी थी, कितने बच्चे मारे जाते थे, ये भी एक पॉइंट था। उस वक्त बहुत सारी दिक्कतें थी, उस वक्त कितनी ज्यादा कितने लोगों के जब बच्चे होते थे कितने मारे जाते थे, ये सारी पॉइंट है। लेकिन उस वक्त से अभी को आप क्या कंपेयर कर सकते हैं? उस वक्त में भी शायद बहुत ज्यादा साक्षरता नहीं होगी, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होगी, बहुत ज्यादा जागरूकता वाली बात नहीं होगी, लेकिन अभी क्या ऐसा बदलाव आ गया, अभी क्यों हो रहा है? देखिए, मैं हिमांशु भाई एक बात जो बताना चाहूंगा, जो जो मुस्लिम है उनका जो TRF रेट है वो पहले 2.7 था, अब 2.2 है। सबसे ज्यादा गर्म निरोधक गोलियां नहीं, रंगरेश भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी अभी क्यों ज्यादा बच्चे पैदा किए जाते हैं? अरे भैया, हमारे मुस्लिम तो भाई इसमें आगे हैं, आप मानते हैं? नहीं 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 नहीं, आप तो मुसलमान वही 2 बच्चों पे, आप देखिए अब जैसे जैसे जो है लोगों में अवेयरनेस आ रही है, और तो सभी परिवार में, मैं आपको अपने परिवार में और के परिवार में, और जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके भी परिवार में पहले बहुत बच्चे हुआ करते थे। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि आप मतलब मुस्लिम अब कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बात बताता हूँ, आपने बहुत पुराने पुराने एग्जाम्पल दिए, जो आज से 80-80, 90-90 या 100-100 साल पहले वाले एग्जाम्पल दिए। मैं अभी का सुनिए ना रंगरेश भाई, मैं अभी का एक एग्जांपल देता हूं, आपसे पूछता हूं बहुत विनम्रता से। आप जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उस पार्टी के अध्यक्ष अज़दुद्दीन ओवैसी, उनके 5 बच्चे हैं, ये कैसे? हाँ तो अभी, हाँ वो, अरे ये, अरे कब क्या, अभी की तो बात है ना, तो मैं 5 बच्चों के नाम बताऊं? कैसी बातें कर रहे हैं? 5 बच्चे हैं ना, इनके बारे में जवाब दीजिए। आप पुराने 100 साल के एग्जांपल की बात कर रहे हैं, मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूं। हिमांशु भाई देखिए, जिनके परिवार, देखिए कौन होते हैं ये लोग, जिनके परिवार होते हैं भाई, उन्हें तो परिवार, जिनकी हैसियत है वो परिवार बड़ा कर सकते हैं, जिनकी हैसियत नहीं है वो परिवार, जिनकी हैसियत है वो परिवार बड़ा कर सकते हैं, जिनकी हैसियत नहीं है, मतलब आपने सोचा नहीं था, आपने सोचा नहीं था कि ये सवाल भी आपसे हो सकता है, तो इसलिए आपको जब आपको लगा नहीं था, अपनी सहूलियत के हिसाब से सब करते हैं। अरे आपने वहां 100 साल पहले का एग्जांपल दिया, आपने 100 साल पहले का एग्जांपल दिया, मैंने अभी का एग्जांपल देखकर आपसे पूछ लिया, तो आप करने लगे।
मैंने TRF रेट बता दिया आपको, आप वो नहीं समझ रहे। हाँ तो वो भी तो मैंने आपको डिटेल में बताया। हमारे साथ में देखिए शशांक वाजपेयी जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। सर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन संजय राणा जी बताइए, सवाल पूछा एक मैंने, उसका जवाब यहां पर नहीं दे पाए, ये विरोध क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है इस विरोध के पीछे की वजह क्या है? देखिए ऐसा है कि जब फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं, पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो दो तीन तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। अभी रंगरेज भाई की बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था, उन्होंने बोला कि 2.7 से 2.36 हो गई, मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये जब देश का आजाद हुआ था उस समय आपके फर्टिलिटी रेट 4.26 थी, तो उसको देखने की जरूरत है। आज हिंदू की फर्टिलिटी रेट है 1.91%, और आप अगर आजादी से लेकर के आप आज तक का देख लीजिए, जो ग्रोथ हुआ है मुसलमानों का वो तकरीबन 30% से ऊपर रहा है। मैं बताता हूं 32% 51 से 61 के बीच हुआ है, 34% 61 से 71 के बीच हुआ है, 32-33% 71 से 81 के बीच हुआ। तो देखिए पॉपुलेशन बड़ी है। जहां तक बात हो रही थी कि नेता क्या बोलते हैं, इस पे चर्चा होनी चाहिए कि भाभी हमारी का सर चीज जमीन लिमिटेड है, हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमें जो सुविधाएं देने वो सब चीज लिमिटेड है। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो सारी जो भी जनता इस देश में रहती है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसको कैसे हम अपनी सुविधाएं प्राप्त पहुंचा सकते हैं? तो कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। हमारा अगर जमीन की तुलना की जाए, जो हमारा जो लैंड है वो सिर्फ 4% है वर्ल्ड का, चाइना हमसे 3 से 4 गुना बड़ा है और हमसे पॉपुलेशन में कम है। और ये अमित शाह जी के बच्चे 5 थे, अरे अमित शाह जी की उम्र छोड़ दीजिए, आज की चर्चा हो रही है, आज से 50 साल पहले हर घर में 9 से 10 बच्चे होते, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर आपको यही बातें करनी है कि मुसलमानों में पॉपुलेशन दर क्यों है, तो आप जाके देख सकते हैं। अरे भाई 2011 के सेंसेक्स हिसाब से जो ग्रोथ रेट थी मुसलमानों की वो 24% थी और हिंदुओं की 16% थी, तो देखिए 8% को तो यही अंतर है। पॉपुलेशन हिंदुओं की गिर करके 84 से 79% हो जाती है, जो पहले 94 थी आजादी के समय में। तो आपको देखना पड़ेगा कि किसके डेमोग्राफिक चेंज। आपकी आवाज थोड़ी सी इंटरप्ट हो रही है, मैं दोबारा से आता हूँ आपके पास, लेकिन अजहरी साहब मैं उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा जो मुद्दा रंगरेज भाई ने उठाया था कि किसके कितने बच्चे किसकी कितनी ये सारी चीजें। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये वाकई एक समस्या तो है ना, कि अगर आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, संसाधन हमारे पास सीमित है, तो ऐसे में दिक्कत आने वाले वक्त में हो सकती है, लेकिन ये कौन सा तर्क है कि जनसंख्या पर नियंत्रण हुआ तो 30 साल में हमारा देश तरक्की पर रोक लग जाएगी, और ये तो उपलब्धि है, ये तो एक एसेट है, ये आप भी मानते हैं क्या? अभी संजय राणा जी ने एक बात को मान लिया कि पहले मुसलमानों के भी 8-9 बच्चे होते थे और हिंदुओं के भी, ये मतलब बड़ी बात है। संजय राणा जी आज पहली बार आपने ऐसी बात की है जो जिससे आपसे कभी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो अभी गिरिराज सिंह जी का आप बयान जो दिखा रहे हैं, गिरिराज सिंह एक जैसे नहीं जैसे एक बेचारा बंदा हो जो जिसे जिसके जिसके पास कुछ ना हो, जो बंदा 10 साल से मंत्री है, अब भी मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, वो आदमी इतना लाचार होकर के बातचीत कर रहा है कि ऐसा करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ किससे कह रहा है वो ऐसा करना चाहिए? वो देश की कैबिनेट का हिस्सा है और वो इस तरीके से बात कह के सिर्फ माहौल पैदा करना चाहते हैं के, मतलब हमेशा डायरेक्ट आप लोगों का जो निशाना होता है वो घुमा फिरा के मुसलमान ही क्यों होता है? अब देखिए मुसलमानों पे इसलिए ये कंफ्यूजन, मैं ये चाहता हूँ कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अजहरी साहब, अजहरी साहब, मैंने जब आपसे सवाल पूछा अजहरी साहब, तो मैंने कहीं पर हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं किया, कहीं पर नहीं किया। मैंने आपसे ये पूछा कि अगर आबादी बढ़ रही है, अगर आबादी बढ़ रही है और जनसंख्या पर नियंत्रण होता है, तो 30 साल में देश बूढ़ा कैसे हो जाएगा, तरक्की पर रोक कैसे लग जाएगी, जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या एसेट क्यों है, ये मैंने आपसे पूछा। देखिए हमारा मानना यह है हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कितने बच्चे पैदा करेंगे, ये अधिकार हमें होना चाहिए, ये आजादी हमें होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप क्या खाएंगे क्या पिएंगे आपका अधिकार है, पाबंदी लेकिन आप 20 बच्चे पैदा करके मुसलमान देश का डेमोग्राफी बदलने का आपको अधिकार नहीं है। आप सिर्फ बात ही करेंगे, ठीक है, बात करके संसाधन को बराबर मिलने चाहिए, लेके आइए रे हिम्मत और ठीक है, मुसलमानों का देश नहीं है आप 10 साल से यूनिफॉर्म सिर्फ आपके नाम से पूरे देश को बेवकूफ बना रहे हैं।
पॉपुलेशन पे चर्चा कर लेते हैं, सिविल कोड के नाम से प्रदेश को चूना लगा रहे हैं, 32% के रेट से यूनिफॉर्म कोड के नाम से पूरे देश से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप 10 साल से हिंदू और मुसलमानों के ये भड़का रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। अरे मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए सुनिए अजहरी साहब, आप क्या खाते हैं, आप क्या खाते हैं, आपका अधिकार, सुनिए ना सुनिए ना, अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए अजहरी साहब, बाकी के मेहमानों पर भी मेरे को जाना है, बाकी के मेहमानों पर भी जाना है, इसलिए एक बार मैं सुनिए, बात सुन लीजिए मेरी, आप क्या खाएं आपका अधिकार है, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप क्या पहने ये भी आपका अधिकार है, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन एक गरीब मुसलमान, सुन तो, अरे सुन तो लीजिए, एक गरीब मुसलमान, एक गरीब मुसलमान जो दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से पैदा, जो दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटाता है, आप चाहते हैं वो भी पांच पांच छह छह बच्चे पैदा करे, नदी और नाले और नहरों पर आपने आपने अपने रंगों पर कलरों पर सब पर कब्जा आपने कर रखा है। अरे हम क्या कहते हैं, हम तो कहते हैं कि उगते सूरज ढलते सूरज को भी आप उगते सूरज के रंग को आपने कोई और दे दिया। मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए ना, आप मेरे को बस इतना सा बता दीजिए कि जो आप पहनना चाहते हैं आप पहनिए, जो आप खाना चाहते हैं खाइए, लेकिन एक गरीब मुसलमान परिवार जो दो वक्त की रोटी अगर मुश्किल से कमा रहा है, तो आप चाहते हैं वहां पर भी पांच पांच छह छह बच्चे हों ताकि उनके पालन पोषण उनकी शिक्षा में दिक्कत। देखिए ये वो भी जानता है और उसकी मर्जी पर आधारित होना होना चाहिए। हमने देखा है चीन को पढ़ लीजिए आप, अरे बहुत चीन चाइल्ड पॉलिसी पढ़ लीजिए उसकी, हाँ क्या हाल है उसके, क्या हाल है, क्या हाल है उसी का, क्या हाल है मैन्युफैक्चरिंग में, मैं जानना चाहता हूँ आप बताइए ना क्या हाल है, क्या हाल है बताइए ना, पॉलिसी वापस लेना है, आज एक एक आदमी रह गया है एक घर में, साढ़े तीन गुना बड़ा है, परेशानियों का आलम जरा पड़ी है, सिर्फ हिंदू मुसलमान का चश्मा उतार के ये बताइए मुसलमान जी, हिंदू मुसलमान का चश्मा उतारिए, हिंदू मुसलमान का चश्मा, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, वकील साहब मैं थोड़ी देर रुकिएगा, सबसे मैं बात कर लूं, फिर कानूनी पेचीदगी भी इसके जानेंगे हम, जरूर जानेंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी आपने सुना, यहां पर आपने रंगनेश भाई को भी सुना, आपने अजहरी जी को भी सुना, आपके विचार क्या है, क्या ये जरूरी है? देखिए मैं शुरुआत करता हूं हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब की बातों से, ये बिल्कुल मैं सहमत हूं कि वर्तमान में 10 साल पिछले से सरकार है केंद्र में बीजेपी की, लेकिन जनसंख्या पे सिर्फ बातें होती रही और पहले भी जो सरकारें रही आजादी के बाद सबने सिर्फ बातें किया लेकिन किसी ने जनसंख्या कानून नहीं बनाया, जबकि सबसे बड़ी ये मांग है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, हिंदुओं से शुरू से अन्याय हुआ है, आप देखो एक तो आजादी के 14 अगस्त 1947 को देश विभाजन हुआ, एक पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो गया, बांग्लादेश हो गया, तमाम हमारे देश के टुकड़े हो गए, लेकिन आप ये देखो उसके तुरंत बाद जब आजादी मिली तो कम से कम खास तौर से जो मुस्लिम भाई यहां पे थे उनके लिए जनसंख्या नियंत्रण लागू होने चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, उनको 4 विवाहों का अधिकार दे दिया गया, हिंदू जो 4-5 कर सकते थे उनको 1 अधिकार दिया गया, हिंदू तो कानून मानता रहा, ये कानून अपने मानते रहे सरिया कानून, आज 4 शादियां और 24 बच्चे पैदा होते हैं, तो इस तरह की चीज है, और हिंदुओं को रोक दिया गया, या तो हिंदुओं को भी छूट दे दिए होते कि वो भी जितनी चाहे शादी करे, तो ये कानून अगर जनसंख्या कानून बने तो मुस्लिम भाइयों के लिए बने ना कि हिंदुओं के लिए, हिंदुओं की तो दुनिया में आबादी ऐसे ही कम है भाई, हिंदुओं की तो सनातनियों की दुनिया में आबादी कम है, अब मुस्लिम भाइयों का तो सबसे ज्यादा है, इसलिए मेरा मानना है मुस्लिम तुष्टिकरण अभी भी जो हो रहा है कि जी सबके लिए जनसंख्या कानून बनेगा ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ मुस्लिम भाई मजहबी मामलात में, अरे भाई आजादी था मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, आप क्यों हमें रोक रहे हैं, तो ये मूल विषय यह है कि यहाँ पे सिर्फ जनसंख्या कानून मुस्लिम भाइयों के लिए बनना चाहिए, उनकी जनसंख्या कानून उनको जनसंख्या रोकिए, हिंदुओं की जनसंख्या तो बढ़नी चाहिए तभी होगा, पूरे विश्व में सिद्धांत जाएंगे भाई, पूरे दुनिया में हिंदुओं की संख्या इतनी कम है, अब पता चले आप इनके चक्करों में, अच्छा एक मिनट, जनसंख्या कानून हो तो सभी के लिए, उसमें सभी लोग आने चाहिए, बोर्ड की राजनीति करने वाले सैयद जब्बार भाई, अच्छा ठीक है एक मिनट, सैयद जब्बार भाई मेरे को अजहरी साहब से इस बात का जवाब नहीं मिला, और जनसंख्या कानून अगर लाने की बात की जाए तो वो सभी के लिए होनी चाहिए, लेकिन मैं आपके इस पर विचार जानना चाह रहा था कि आपको क्या लगता है, क्योंकि क्या बढ़ती जनसंख्या एक एसेट के तौर पर देखते हैं, और अगर ये कानून बनेगा तो 30 साल में हमारा देश बूढ़ा हो जाएगा, जैसे एस टी हसन कह रहे हैं, उनके विचार हैं,
बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु भाई, और मैंने सबको बड़े सुकून के साथ सुना है और आशा करता हूँ कि मुझको भी सुने। देखिए, बड़ा एक मशहूर शेर है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। भाजपा से कोई पॉलिसी बनाने की तवक्को करना देश को गड्ढे के अंदर डालना है। जैसी नोटबंदी करके देश के अंदर इन्होंने जो मास्टर्स को मारा था, छोटा व्यापारी और जो हमारा रोजमर्रा का रेड़ी पटरी वाला होता था वो इन्होंने कमर तोड़ दी। फिर जो हमारा मिडिल क्लास व्यापारी था, जीएसटी ला करके इन्होंने मास्टर्स को मारा। आप देखिए, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हमारा व्यापारी था वो खत्म हो गया। फिर अग्निवीर जैसा इन्होंने मास्टर्स को मारा। फिर उसके बाद देखिए देश की सेना के अंदर क्या हो रहा है। उसके बाद इन्होंने ट्रिपल कृषि कानून बिल लेकर क्या, जो मास्टर स्ट्रोक्सन उद्योगपतियों के लिए मार रहे थे, फिर वो इन्होंने मुंह की खाई वापस लेना पड़ा। और अब देखिए नीट की परीक्षा को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट कर रही है उसको देख के हैरत है। तो इनकी कोई भी पॉलिसी, अरे बीच में भाजपा कोई पॉलिसी बनाए, समझ लीजिए देश के लिए बड़ा ही खतरनाक और जो है गड्ढे में डालने वाली होती। अब आ जाता हूँ इसकी रिपोर्ट पे। एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट थी, मैं उसको पढ़ देता हूँ आपके सामने। उसके अंदर बड़ी चिंता व्यक्त करी गई, लैंड स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई है। उसने 2050 तक भारत के लिए चिंता व्यक्त करी है। भारत का जिस तरीके से टीएफआर रेट गिर रहा है, भारत की जनसंख्या का रेशो गिर रहा है, 2050 तक भारत के अंदर एक बड़ी समस्या होगी। और ये बड़े बड़े एक्सपर्ट का कहना है उस रिपोर्ट में भारत के लिए। हाँ। आप पढ़ लीजिएगा उठा करके। भारत की और पूरे विश्व की जो टीएफआर रेट आइडल होती है वो 2 होती है, और भारत की 2 हो चुकी है। कुछ एक प्रदेश है जैसी उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और 4-5 स्टेट हैं, वहां टीएफआर रेट 2.2 से 2.5 के आसपास है। अच्छा। वो इसलिए है क्योंकि वहां पर अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं है, अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, अच्छा जो इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं वहां नहीं चला जाते। केरल की बताइए संजय राणा जी, टीएफआर रेट कितना है बताएंगे आप? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश कुछ प्रदेश है जिसमें पीएफआर रेट 2 के ऊपर है, ये बोलते ही मानने को तैयार है। अगर वहां पे एजुकेशन नहीं है, वहां पे विकास नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप 75 साल तक यानी 65 साल तक आपका जो राज्य था कांग्रेस का राज्य जिम्मेवार नहीं है। बोलिए उसका जिम्मेवारी कौन लेना चाहता है? आपसे देखिए ऐसे ऐसे नहीं होता सैयद जवाब। जब आपने बात की शुरुआत की आपने कहा मैंने सुना, अब मुझे सुनिए। अब जब वो बोल रहे हैं जवाब दे रहे हैं तो सुन लीजिए। हाँ बोलिए मानसू भाई, अभी इन्होंने एक जर्नल का नाम दिया, किसी पेपर का इंग्लिश पेपर का नाम दिया। मैं भी इंग्लिश रिसर्च कंपनी का रिपोर्ट दिया उसने कहा है। अरे सर अरे वो आप ही का जर्नल है भैया, मुझे पता है किसकी बात कर रहे हैं आप। प्यू रिसर्च कंपनी का रिपोर्ट दे देता हूँ, जिस तरह पीयू का रिपोर्ट दे रहा हूँ, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर ये 30% हो जाती है, जान लीजिए 30% हो जाती है तो हिंदुस्तान में आने वाले 100 साल में इस्लामिक कंट्री में बदल जाएगी। ये तो रिसर्च विदेशी रिसर्च कंपनी बता रही है, जो मैं नहीं बता रहा हूं, तो क्योंकि आप विदेशियों में बिलीव करते हैं इसलिए बता रहे हैं। नंबर 2, क्या फर्टिलिटी रेट की जब आप बात करते हैं 2.3 हिंदुओं की है, लेकिन जो रेट बढ़ रहा है आज के दिन में 43% से आपकी जनसंख्या बढ़ी है, और हमारी जनसंख्या अगर मैं सिर्फ सेंसेक्स की बात कर लूं तो 2011 में 16% है। तो 43 से 16 का आंकड़ा देख लीजिए, 24 से 16 का आंकड़ा देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं एक समस्या है। नंबर 1। नंबर 2, जनसंख्या कंट्रोल की जब बात करते हैं तो सबके ऊपर लागू होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके ऊपर। देखिए सबको इस देश में रहने का अधिकार है और सबको रोजगार चाहिए, सबको यहाँ पे जो सुविधाएं मिलने सबको मिलनी चाहिए। ये बता लीजिए अगर जनसंख्या शशांक जी, आबादी का संतुलन,
शशांकी, आबादी का संतुलन और इसको लेकर जनसंख्या कानून की मांग की जा रही है, क्या कुछ पेचीदगियां यहां पर रह सकती है, किन बातों का यहां पर ध्यान रखा जा सकता है? और विरोध भी हो रहा है, कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं उसकी कानूनी पेचीदगियां भी। हिमांशु जी, ये विषय बहुत, क्योंकि बहुत सबके इस समय बहुत पास है और देश के अंदर बहुत ज्वलंत विषय है, इस विषय के ऊपर कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है। ना ये जो से राणा जी ने कहा, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का विषय नहीं है, ये राष्ट्र की प्रगति का विषय है। हाँ। उस प्रगति के लिए जहां पर देखिए लगातार ये अब देखते हैं 1947 से लेके आज हम 2024 में खड़े हुए, 2024 तक देश की आबादी थी लगभग 400 गुना बढ़ चुकी है, जो पहले 33 करोड़ थी, 36 करोड़ थी, फिर आगे 75 करोड़ हुई और आज लगभग हम 142 करोड़ दुनिया के नंबर एक देश के ऊपर आ गए हैं। जिसमें लगातार कई सारे बिल जो कि संसद में पास हुए, संसद में पास होने के बाद राज्यवार उन्होंने बिल बनाए गए, बट जो सबसे इफेक्टिव प्रयास हुआ है वो 2019 की माननीय प्रधानमंत्री जी की स्पीच में उन्होंने कहा कि अगर किसी राष्ट्र के विकास के लिए हमें आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की राज्य को आवश्यकता है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो राज्यों में बना, उन्होंने कहा भाई दो बच्चों से ज्यादा, जिनको पंचायत में लागू भी किया गया कि बच्चों से ज्यादा पंचायत चुनाव नहीं कर सकते हैं, कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। सर ये मोहन नहीं, देखिए बात सुनिए, जब राष्ट्र का विषय आता है तो राष्ट्र के विषय में राष्ट्र की बात करनी चाहिए, जात की बात नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद जो मैं जवाब दे रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुना करिए, जब आप जवाब कोई दे रहा है आपको जवाब ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद उसको समझने की कोशिश करिए। ये बात तो बहुत सही कही, राष्ट्र की बात हो रही है। नहीं सही है, बहुत अच्छी बात कही, अगर कोई जवाब दे रहा है तो उसको ध्यान से सुन लीजिए, आपकी बात को सुन लिया उसका जवाब दे दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई बात कर रहा है तो उसको गंभीरता से सुन लीजिए ना जवाब भाई। दूसरी बात जब जिस विषय पे बात हो रही है, अगर आप उस विषय के एक्सपर्ट नहीं है तो उस विषय के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, आप राज्य की नीतियों का विरोध नहीं करिए, राज्य के कानून में जो कमियां हैं उनको बताने का प्रयास करिए। जब इस विषय पे कोई कमी नहीं है, ये राष्ट्र का मुख्य विषय है और राष्ट्र इस विषय पे बहुत गंभीरता से चर्चा करने के लिए तैयार है। एक एक विषय एक एक बार चाहते उसके बारे में समझ नहीं है, उसकी कानून नहीं मालूम है, आप राज्य की सरकार करिए, पॉइंट पर आइए, पॉइंट बिल्कुल साफ है, बहुत स्पष्ट पॉइंट है इसके ऊपर। जो राज्य का कानून समय बन रहा है देश की सबसे बड़ी आबादी को कंट्रोल करने के लिए, हमें उसके लिए जो बेहतर नहीं व्यवस्थित व्यवस्थाओं के लिए शिक्षा स्वास्थ्य ज्यादा भारत में जो न्याय व्यवस्था के ऊपर जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों में संतुलन लाने की जो आवश्यकता है वो निश्चित रूप से इस विधेयक को बनने के बाद, इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद ही आ सकती है, वो निश्चित रूप से नहीं। लेकिन बार बार ये कहा जाता है वाजपेयी जी राष्ट्र के लिए, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप कानूनी पेचीदगियों समझते हैं और आपके लिए जब आप कोई केस लड़ने जाते हैं आपके लिए भी कोई हिंदू मुस्लिम नहीं रहता है, आपके लिए वहां पर वो कानूनी बिल्कुल नहीं रहता, और सरकार के लिए भी ऐसा है। लेकिन यहाँ पर कुछ मौलाना है, जैसे एसटी हसन साहब है, लेकिन यहाँ पर कुछ मौलाना है एसटी हसन साहब है, वो ये कहते हैं कि ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लाया जाता है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं है, जब भारत के संविधान में जो लोग विश्वास करते हैं, भारत के ऊपर जो लोग विश्वास करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं करते हैं, वो पूरे देश के विकास की बात करते हैं, और जब आप विकास की बात करते हैं निश्चित रूप से हर व्यक्ति उसके साथ खड़ा होता है, हर व्यक्ति ये चाहता है। अब एक पॉइंट और बताइएगा वाजपेयी जी एक पॉइंट और बताइए अभी आप सुन रहे होंगे हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब ने कहा था, जवाद भाई कंटिन्यू बोलते रहेंगे कोई मतलब नहीं, थोड़ा सा रुकिए। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब ने कहा था, हम क्या पहने हमें उसका अधिकार है, हम क्या खाएं हमें उसका अधिकार है, और हम क्या करें उसका भी, और हम क्या करें उसका भी हमें अधिकार है, पूर्ण अधिकार है इसका, इन तीनों बातों का उनको पूर्ण अधिकार है। इस अधिकार के लिए भारत का संविधान उनको अधिकृत करता है, पर भारत के राष्ट्र के विकास के लिए जो सर्वोत्तम कदम होंगे इनको भारत की सरकार के साथ सदा खड़े होना चाहिए और हर उस विधेयक को, हर उस कानून को सपोर्ट करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो आने वाले वक्त में यही तो मुद्दा उठाया जाएगा कि हम कितने बच्चे पैदा करें, इसका भी हमें अधिकार है, ये भी मुद्दा उठाया जाएगा। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं इसकी एक मिनट जब्बा दाई की आवाज, एक मिनट डाउन करिए, मैं आ रहा हूं उनके पास। मेरे को ये बताइए, ये पॉइंट अगर उठाया जाएगा कि हम कितने बच्चा पैदा करें उसका भी हमें अधिकार है, तो उसका क्या जवाब है? देखिए आप कितने बच्चे पैदा करेंगे इसका आपको पूरा अधिकार है, उसमें मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता, पर भारत के राष्ट्र को देखते हुए, भारत के राष्ट्र की जो सुविधाएं हैं उनको देखते हुए, भारत की जनसंख्या को देखते हुए निश्चित रूप से अगर आप राष्ट्र के विकास के साथ खड़े होना चाहते हैं तो राष्ट्र की पॉलिसी, अगर राष्ट्र की पॉलिसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है, पूरे राष्ट्र के लिए होती है और हर व्यक्ति के लिए होती है, और हर व्यक्ति जो भारत में वोट डालता है, हर व्यक्ति जो भारत का अन्न खाता है, हर व्यक्ति जो भारत की सुविधाएं लेता है उसको भारत के संविधान का, भारत के संविधान, बताइए जवाब भाई, अब आप बोलिए फिर अजहरी साहब के पास में आ रहा हूं। हाँ। जवाब भाई बोलिए, अब बोलिए। अभी जो भाजपा जी कह रहे हैं, पहली चीज मैं आपकी बात को इसलिए सीरियस नहीं लेता क्योंकि आप सरकार के प्रवक्ता ज्यादा मालूम होते हैं। दूसरी चीज, अभी जब नोटबंदी देश में करी गई थी, जो आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई थी,
सरकार द्वारा, उसका भी समर्थन आपने करना होगा, जीएसटी का समर्थन भी आपने करना होगा, और जो है कच्चे कमर एक एक करके देखिए पॉलिसी कैसी होंगे, तो हम आपकी पॉलिसी को मानते नहीं और समझते नहीं, तो चर्चा करिए। अरे समझ रहा हूँ, और मैं चीज हिमांशु और बताना चाहता हूँ, जैसे अजहरी साहब ने एक बात बोली है कि उनको अधिकार है, कोई भी लॉ एब्सोल्यूट नहीं है, और सेक्शन देखिए सेक्शन सुन लीजिए मेरे को, हाँ बोलिए ठीक है। देखिए मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ हिमांशु, इनको जानने की बहुत जरूरत है, कोई भी लॉ बना है वो एब्सोल्यूट नहीं है कि आप जो मर्जी हो करते रहेंगे, नंबर वन। नंबर टू, पार्ट फोर सेक्शन 44 एक मिनट रुकिए सुनिए सैयद जवाद, आप ही बोल लीजिए, किसी और को नहीं बोलना है, आप ही कंटिन्यू बोलना है, अगर कोई बोल रहा है आपको इंटरप्ट भी करना है, यही बात है ना, अगर आप बोलते हैं तो सुनने की आदत डालिए, अगर कोई कुछ कह रहा है तो सुन लीजिए, क्या दिक्कत है, मैं आपको मौका देता हूं, हर बार आपके साथ चर्चा होती है, नहीं हर बार चर्चा होती है, आपको प्रॉपर मौका दिया जाता है, और मेहमानों से ज्यादा आपके पास रहा जाता है, स्वामी चक्रपाणी जी से ज्यादा आपकी मैंने बात सुनी, लेकिन कम से कम सामने वाला बोल रहा है तब तो थोड़ा सा रुकिए, आपत्ति जताइए, अच्छी बात है, लेकिन एक तरीके एक सलीके से ना। संजय राणा जी, स्टेट को पावर मिलती डायरेक्टिव और प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाने का अधिकार मिलता है, वो पॉलिसीज बना सकते हैं जो देश के हित में होंगे, और उसको पारित कराना पड़ेगा, वो मानना पड़ेगा हर देश के नागरिक को, ये बोल देना कि मेरी मर्जी है हम कुछ भी करेंगे नहीं होगा। देखिए पर्सनल लॉ जो होता था, पहले कबीले होते थे, ट्राइबल होते थे, तो पर्सनल लॉ होता था, उसके बाद लैंड ऑफ लॉ हो गया है, तो लैंड ऑफ लॉ जो होता है वो सिविल में आता है, उसको आपको मानना पड़ेगा, क्रिमिनल एंड सिविल दो डिफरेंट चीज होती है, दोनों अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा, ये सिविल मैटर है, सिविल मैटर को एक पॉलिसी बना के गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कराएगी और उसको मानना पड़ेगा। लेकिन आपके साथ समस्या क्या है, आपको हमेशा हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, ये बात भाई ये बताइए, आपकी पॉपुलेशन 32% से बढ़ी, आपका 71 में आपकी 30% से बढ़ी, आपका ऐसे ऐसे बात नहीं होगी, सही है, मेरे को ये बताइए रंगनेश भाई AIMIM का स्टैंड क्या है इस मुद्दे पर, आपने शुरुआत में दफ्तर की बात हो गई थी, लेकिन AIMIM का स्टैंड क्या है इस पर? देखिए हिमांशु भाई, हमारा वो स्टैंड है जो हमारे देश का स्टैंड है, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, यानी दूसरी बात ये बात है, अगर वो फैसला लेते हैं तो आप साथ में हैं? नहीं, हम इसका विरोध कर रहे हैं, वो कहना चाह रहा हूँ मैं, मगर जो देश हित के लिए, अच्छा। जैसे अवेयरनेस है, आप अवेयरनेस फैलाइए, आप पिछड़े लोगों को जो है आगे लाइए, मूलधारा में जोड़िए, देखिए जो पढ़ा लिखा, बढ़ती आबादी खतरा है कि नहीं है? नहीं है, कोई खतरा नहीं है हमारे देश के लिए, ज्यादा जनसंख्या होगी तभी सारी चीजें अच्छी होंगी और चल भी रही है, उसमें किसी को क्या दिक्कत है? मैं ये अच्छा ये बताइए रंगरेश भाई सुनिए ना रंगरेश भाई, अभी आप जिस घर में रह रहे हैं वहां पर कितने सदस्य हैं? देखिए आप हिमांशु भाई जो है ना, मैं पर्सनल नहीं जा रहा, मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर एक घर में 4 से 5 लोग रहते हैं, अगर उसी घर में 15 से 20 लोग रहने लगे तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी, संसाधनों की, रहने की, प्राइवेसी की होगी कि नहीं होगी? मैं ये बता रहा हूँ, पर्सनल नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, आप ये बात कौन कर रहा है, जिनकी ना शादी हुई है ना जिनके बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो और शादी नहीं है, बच्चों पर रोक लगाओ? अरे मैं ये नहीं कह रहा, मेरी बात सुनिए, मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि बढ़ती आबादी अच्छी बात है? नहीं, मैंने एक लॉजिक वाली बात का इसका जवाब दे दीजिए, आपने कहा बढ़ती आबादी अच्छी बात है, अरे एक मिनट, राणा जी प्लीज, आपने कहा बढ़ती आबादी अच्छी बात है, मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि एक घर में अगर कहीं पर 10 लोग रह रहे हैं, वहां पर 20 से 25 लोग रहने लगे तो दिक्कत होगी, संसाधन क्योंकि सीमित होते हैं, तो बढ़ती आबादी अच्छी बात कहां से हो गई, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे।
मैंने तो हिमांशु भाई आपको शुरू में बताया कि मुसलमानों का लगातार टीआरएफ रेट घटता जा रहा है, और जब जैसे जैसे अवेयर हो रहे हैं लोग, लोग वही दो बच्चे तक ही अवेयरनेस करते हैं, और हमारे हमारे परिवार में सारी चीजें हो रही हैं। मगर ये जो सरकार में जो लोग बैठे हैं, अब हम सरकार सरकार में जो लोग बैठे हैं उनसे उन्हें समझना चाहिए, जब उनका खुद का कोई परिवार नहीं है क्या, तो वो कैसे करते हैं किसी के लिए? साल से रोना रो रहे हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए हमें जागरूकता की जरूरत है, लेकिन बच्चे पैदा करने में जागरूक नहीं होंगे, वो तो भैया भगवान की और अल्लाह की देन है। अरे भैया, जितने बच्चे मुसलमान पैदा करता है उतने हिंदू करते हैं, उतने सिख करते हैं, उतने ईसाई करते हैं। तो लॉजिक अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या सोच डाली गई है। मेरे को ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि जो रंगरेज भाई भी मान रहे हैं, जो एस टी हसन भी कह रहे हैं कि आबादी पर रोक मतलब तरक्की पर रोक, आबादी बढ़ती जाएगी यानी तरक्की बहुत ज्यादा अच्छी होती जाएगी। अजहरी साहब इसके पीछे लॉजिक तो समझा दीजिए, अजहरी साहब लॉजिक क्या है इसके पीछे? लॉजिक तो आपके आपके पास मौजूद है, आप उसको कबूल लेना वो अलग बात है। इन तमाम हिंदूवादी तहरीके तंजीमें, चाहे वो आरएसएस क्यों ना हो, सुन लो भाई हमारी बात, तो आपको कड़वी ना लगे। सुन ले आप एक बात, मैं कड़वी वाली बात नहीं, आप अगर पॉइंट पर है कि मुझे ये बताएंगे कि आप लोग रंगरेज भाई, आप लोग सब लोग ये मान रहे हैं कि आबादी बढ़ेगी तो फायदा होगा, सुनो ना, आपको आपको आबादी आबादी बढ़ेगी और आबादी बढ़ के खाना मिलेगा या नहीं, रहने की जगह होगी या नहीं, इस बात की चिंता नहीं है आपको? आपको चिंता ये आबादी 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 बढ़ेगी तो देश पे इस्लामी राष्ट्र देश हो जाएगा, घोषित हो जाएगा। अभी 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 संजय राणा जी बोले भी थे, और आपको कोई इसका डर नहीं है, संजय राणा जी बोलने दीजिए, वरना वो कहेंगे भेदभाव वाली बात नहीं। संजय जी एक मिनट रुकिए, संजय जी सुनिए, रुक जाइए, जवाब ले लूंगा चक्रपाणी महाराज से, इसका जवाब दूंगा। बोलिए संजय राणा जी चैनल के, नहीं इस पर नहीं, पॉइंट पर बोलिए, बढ़ती आबादी फायदा कैसे? खा दिया तो घबराने लगे। अरे एक मिनट रुकिए, राणा जी यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आबादी बढ़ रही है, इस बात की आपको चिंता नहीं है कि वो खाएंगे का? अरे तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये कानून आएगा तो वो सभी के लिए आएगा, अरे कानून आएगा तो सभी के लिए आएगा। मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन आप क्यों कह रहे हैं मुसलमानों से जोड़ रहे हैं? आप मुसलमानों से मत जोड़िए, जनसंख्या कानून अगर आए तो सबके लिए आएगा। एक मिनट, शशांक वाजपेयी जी अगर मैं गलत हूँ तो बताइए, शशांक वाजपेयी जी आप अधिवक्ता हैं, अगर ये कानून आएगा तो सभी के लिए आएगा ना, मुसलमानों को टारगेट थोड़ी ना करेंगे? सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल नहीं किया जाता किसी भी बात के अंदर, किसी भी जाति समुदाय के हिसाब से, लिंग भेद के हिसाब से कभी भी किसी को भी टारगेट नहीं किया जाता है। और व्यक्ति जो समान नागरिक संहिता की बात हो रही है वो भी सबके लिए है, सबके लिए मतलब सबके लिए, उसमें किसी भी रूप में स्वीकार करिए, अपनी धर्म कौम सबको हर व्यक्तित्व को बढ़ाना चाहिए। वाजपेयी जी एक बात और बताइए प्लीज, वाजपेयी जी एक मिनट ऑडियो, एक मिनट अजहरी साहब का थोड़ा सा डाउन करिए, वाजपेयी जी एक बात और बताइए, कुछ मौलाना है ना, कुछ लोग ये कहते हैं मुसलमानों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये आ गया तो मुसलमानों को दबाने की कोशिश, मुसलमानों पर और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, ये उनके दिमाग में डालने की कोशिश हो रही है। ये सब देखिए, नेगेटिव विचार रखना, नेगेटिव जात को न बढ़ाना, धर्म के आधार पर देश को बांटना, मुल्क को बांटना, ये निश्चित रूप से नकारात्मकता की निशानी है। और जो भी राष्ट्र के साथ चलना चाहते हैं वो राष्ट्र के कानूनों का सम्मान करते हैं, जो राष्ट्र के विरुद्ध करना चाहते हैं वो निश्चित रूप से राष्ट्रद्रोह करना चाहते हैं, और राष्ट्रद्रोह को करने के बाद निश्चित रूप से वो सम्माननीय नहीं हो सकता। और इस राष्ट्र की प्रगति में वो अपने आप को निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मैं राष्ट्र के लिए कहीं भी किसी भी रूप में मेरी कोई उपयोगिता नहीं। अगर सरकार ये लाएगी, अगर सरकार ये लाएगी तो क्या करेंगे आप? छीनने की कोशिश हो रही है। अरे अजहरी साहब शांति से सुन तो लीजिए, आपा खो देते हैं, मेरे को ये बताइए, अगर सरकार लाती है तो आप लोग क्या करेंगे? क्या
करेगा। गिरिराज सिंह खुद आपके आगे रो रहे हैं। अरे गिरिराज सिंह मीडिया के सामने इतनी बात कह रहे होंगे, समझिए ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर सरकार लाती है तो क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे? अगर सबके लिए आता है पेश करे सपोर्ट, सपोर्ट ऐसे नहीं है, ऐसे बातों से नहीं होगी। हाँ, तो कैसे होगी? सरकार अपना खाका पेश करे। अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पूरे देश को लटका रखा है सरकार ने। अरे मैं पूछ रहा हूँ, अगर लाती है, अगर लाती है तो आप लोग उसके पहलुओं को समझने के बाद, अगर उसके पहलुओं को समझने के बाद आप समर्थन करेंगे या फिर नहीं करेंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर सबके लिए आता है। हमने आपसे कहा, हम बच्चा पैदा करने के मामले में आजादी चाहते हैं देश में। हम बच्चा पैदा करने के मामले में आजादी चाहते हैं। समाज को किसी ने रोका नहीं है, मतलब जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं। अभी अरे संसाधनों पे हक चाहते हैं, अरे संसाधनों की इजाजत दी जाए, क्यों चाहते हैं? इस देश में ये देश कानून से चलेगा, आपके नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, सुनिए। अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से है, सुनिए ना। अरे मेरी बात सुनिए, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, आप ये कह रहे हैं पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का। अरे हाँ ठीक है, सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए बच्चा पैदा करने की, आपको है, लेकिन आप मुस्लिम भाइयों से जो आपकी बातों को सुनते हैं उन पर अमल करते हैं, उनको ये तो कहेंगे ना कि जितनी हैसियत है, जितना पाल सकते हैं, जितने परवरिश कर सकते हैं उतना ही करें। हाँ ये ठीक बात है आपकी, ये जिस तरह से आप अपने अपने दर्शकों को सही बात बताते हैं, हम भी लोग बताते हैं साहब। तो हम तो हमेशा सही बात बोलते हैं, आप हिंदू मुस्लिम से जोड़ देते हैं, हम तो जनसंख्या की बात करते हैं। अच्छा सुनिए ना, देखिए लास्ट में आप कम से कम सही ट्रैक पर आए, लेकिन अच्छी बात है। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।